इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, विधानसभा में जीएसटी बिल पास हो गया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जीएसटी बिल पेश किया, विधानसभा में जीएसटी बिल पास हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जीएसटी बिल पेश किया था आपसे थोड़ी देर पहले, और अब जीएसटी बिल के पास होने की खबर आ रही है। हालांकि पहले ही कांग्रेस ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि वो भी जीएसटी पर समर्थन करेंगे। ऐसे में विरोध नहीं होने की वजह से जीएसटी बिल पास हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जीएसटी बिल पेश किया और उसके बाद जीएसटी बिल पास हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी शनिवार को हुई थी और उसमें भी ये तमाम बातें हुई थी कि कैसे जीएसटी को लागू करवाया जाए जल्द से जल्द। और अब हरियाणा में विधानसभा सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन, और दूसरे दिन ही विधानसभा में जीएसटी बिल पास करवा दिया गया है। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। राजनीति की सबसे बड़ी रिपोर्ट, ढींगरा आयोग को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिला और अब एक्सटेंशन एक बार फिर खत्म होने में सभी की नजरें, सभी की निगाहें उस आयोग की उस रिपोर्ट पर है, जिस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जो मार्क्ड नाम है वो है रॉबर्ट वाड्रा का, और इसीलिए शायद ये रिपोर्ट इतनी बड़ी और इतनी अहम भी हो रही है। पहले प्रकाश सिंह की रिपोर्ट पर बवाल, अब ढींगरा आयोग की रिपोर्ट पर सस्पेंस, चौथी बार मिला ढींगरा आयोग को एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के बाद 30 जून को सौंपी जानी थी रिपोर्ट, अब 30 अगस्त को सौंप सकता है आयोग रिपोर्ट। 31 अगस्त को हो रहा है आयोग का कार्यकाल पूरा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुए जमीन सौदे की जांच के लिए बनाए गए ढींगरा आयोग की जांच आखिरकार पूरी हो गई। लंबे इंतजार के बाद अब आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक 3 बार के एक्सटेंशन के बाद ढींगरा आयोग 30 अगस्त यानी कल सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं, क्योंकि 31 अगस्त को ढींगरा आयोग कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इससे पहले ढींगरा आयोग 30 जून 2016 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाला था, लेकिन कुछ खामियां दूर करने के लिए आयोग ने सरकार से एक बार फिर समय मांग लिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रिपोर्ट में क्या होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या है वाड्रा डीएलएफ मामला? वाड्रा डीएलएफ मामला साल 2008 का है। साल 2008 में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट्स ने गुड़गांव में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी। आरोपों के मुताबिक फर्जी कागजात के आधार पर खरीदी गई थी जमीन। इसकी जांच के लिए 7 मई 2015 को जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग का गठन हुआ। 30 जून 2015 से रिपोर्ट पर काम शुरू किया गया। इससे पहले ढींगरा आयोग ने 3 बार एक्सटेंशन लिया। जस्टिस एसएन ढींगरा ने रॉबर्ट वाड्रा से कोई पूछताछ नहीं की। वाड्रा से नहीं हुई पूछताछ, हुडा भी नहीं गए आयोग। 26 गवाहों के साथ कई डीटीपी के बयान दर्ज किए गए। 1996 की प्रक्रिया से दिए गए सीएलयू और लाइसेंस। हालांकि आयोग को 4 बार एक्सटेंशन मिलने के बाद जहां सियासी गलियारे में हलचल है, वहीं सरकार पर विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर है, क्योंकि रिपोर्ट पर सवाल उठने भी लाजमी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कल रिपोर्ट सौंपी जाएगी और क्या रिपोर्ट के बाद जमीन सौदे का सच सामने आएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं सुनीता दुग्गल जी बीजेपी से और केवल ढींगरा साहब कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। ढींगरा साहब, सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, डर लग रहा है कांग्रेस के लोगों को? किस बात का डर? रिपोर्ट शायद कल आ जाए सर। तो अच्छी बात है, रिपोर्ट दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। कोई टेंशन कुछ नहीं? किस बात की टेंशन होनी है, कांग्रेस ने बिल्कुल सही काम किया है और सही तरीके से काम करती है। और रॉबर्ट वाड्रा मामले में भी आपको लगता है पाक साफ है? देखिए, हमने 10 साल जो राज किया है, हम सारे पूरे 10 साल के राज में पाक साफ है। हमने किसी के द्वेष भावना से किसी के हक में कोई ऐसे काम नहीं किए। हमने लोगों के हक में, लोगों के मुद्दों पे जनहित के काम किए और 10 साल में कभी हरियाणा नंबर वन आया। इसी नंबर वन पे बचे ना ढींगरा साहब, नंबर वन की फिर कहानी बताने लग जाऊंगा तो वो थोड़ा डिरेल हो जाएगा टॉपिक। सुनीता जी, मुझे एक बात बताइए कि आपके हिसाब से कल क्या होने वाला है? ये भारतीय सियासी इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन हो सकता है? जी, जरा रिपीट करेंगे प्लीज सवाल। और मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है कल। ढींगरा साहब कल रिपोर्ट सौंप सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि लोगों को बहुत दिनों से उस चीज का इंतजार था और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से जो पता लगा है, कुछ जिस तरह की उन्होंने की है कार्रवाई, और उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा जरूर। तो वाड्रा साहब को कब भेज रहे हैं आप लोग जेल? नहीं देखिए, हम किसी को जेल भेजने वाले कौन है? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रोक रहा हूँ जी। आप हो रहे हैं क्योंकि आप याद कर लीजिए, जब लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे, जब विधानसभा के इलेक्शन का दौर था, उस वक्त आपकी पार्टी के कई लोगों ने कहा, खुले मंच से कहा, पब्लिकली कहा कि हम वाड्रा साहब को जेल भिजवाएंगे। अब जब रिपोर्ट आने वाली है तो ये कहने में क्यों झिझक हो रही है कि हम नहीं भिजवाएंगे या भिजवाएंगे? तब तो आप कॉन्फिडेंट थे। कोई किसी को जेल नहीं भिजवा सकता, वो तो तब झूठ बोला था। जो इंसान के खुद के जो कारनामे हैं, वही उनको जेल भेजते हैं या वही उनको बाहर रखते हैं, कोई किसी को जेल नहीं भिजवा सकता। नहीं तो तब झूठ बोला था, तब तो आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि नहीं भैया घोटाला हुआ है। उस वक्त तो आप लोगों ने ऐसे प्रिटेंड किया, देश को ऐसे बातें कही कि जैसे आप आएंगे सरकार में और उठा के जेल में डाल देंगे। उस वक्त तो आप लोगों ने ऐसे ही माहौल बनाया था। देखिए, लोगों को सिर्फ ये विश्वास दिलाया गया कि जो भी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से होगी, और क्योंकि कांग्रेस सरकार थी और लोगों को कांग्रेस सरकार से उस न्याय की उम्मीद नहीं थी, तो इसे लोगों को सिर्फ ये विश्वास दिलाया गया कि हमारी सरकार अगर आती है तो ये नहीं देखा जाएगा। सच में ऐसा था सुनीता जी? कि कितने वरिष्ठ नेता के ये दामाद हैं या कितना वरिष्ठ नेता स्वयं है या नहीं, कितने वरिष्ठ? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा था। आप लोगों ने बहुत स्पष्ट, एक मिनट सुनीता जी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा था। आपकी पार्टी कई नेताओं ने बहुत स्पष्ट कहा था कि हम ढींगरा साहब को जेल भेजेंगे। केवल ढींगरा साहब नहीं, माफी चाहूंगा, वाड्रा साहब को जेल भेजने की बात कही थी। ढींगरा साहब, मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको याद है वो दौर, इलेक्शन के कैंपेन्स का दौर, जब बीजेपी ऐसा माहौल बना रही थी कि वाड्रा साहब तो दोषी हैं ही और उनको तो जेल में डालेंगे ही आते ही, वो माहौल याद है आपको? बिल्कुल याद है मुझे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये उस समय वो जोर जोरदार प्रचार करते थे कि हम, इन्होंने ये घोटाले कर दिए, ये कर दिया। अब मुझे बताएं कि आज इनकी आवाज जो है वो बदली बदली क्यों है? सुनीता जी, डंके की चोट पे कहेंगे, आरक्षण हुआ था उसमें भी इन्होंने कांग्रेस के ऊपर बहुत सारी आवाजें उठाई थी। जब प्रकाश चंद कमेटी की रिपोर्ट आई तब इनकी हवा जो है बंद हो गई। एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारा करवाया। ढींगरा साहब, इधर उधर नहीं भटकते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। निशांत सिंह जी इनेलो से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। निशांत सिंह जी, आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जो शिकायतें हुई, उसके बाद जो आयोग का गठन हुआ, उसको बार बार एक्सटेंशन मिला और अब ये उम्मीद की जा रही है कि कल रिपोर्ट आएगी, आपको क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है रिपोर्ट में? निशांत सिंह जी आवाज मिल रही है आपको? कल रिपोर्ट आने वाली है ढींगरा आयोग की, क्या लगता है, उम्मीद क्या है, क्या उम्मीद करें हम लोग? सर, आपकी भी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, हम रिक्वेस्ट करेंगे। बोलिए बोलिए
अभी सर कल रिपोर्ट आने वाली है ढींगरा साहब की, क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? किस चीज की रिपोर्ट आने वाली है? ढींगरा आयोग की सर। देखिए ढींगरा आयोग की रिपोर्ट जो मेरे से आप पूछते हैं, मैं तो ये कहूंगा हाँ। आप मेरी पार्टी की तरफ से पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे कि जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है हाँ। उसके खिलाफ जो भी कमीशन को आयोग बना है वो हाँ। ईमानदारी से उस व्यक्ति को किसी भी पार्टी का हो, कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, उसके खिलाफ जो कमियां पाएगी, जो गुनाह उसका है, उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है सुनीता जी, मुझे एक बात बताइए कि आप ही लोग थे, आप ही की पार्टी थी, आपके ही नेता थे जिन्होंने दामाद श्री डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, याद है वो डॉक्यूमेंट्री? आप लोगों ने तो ऐसा माहौल बनाया था कि आप लोगों को पता है, जैसे आपके पास आपकी जेब में या आपके पास कोई फाइल है जिसमें आपने सारे सबूत इकट्ठा कर रखे हैं और आपको पूरा यकीन है कि रॉबर्ट वाड्रा दोषी है और उनको आप जेल में डाल देंगी, अब वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिख रहा है? सुनीता जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। यही सवाल निशांत सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि वही कॉन्फिडेंस जो था बीजेपी में, जो इन्होंने इलेक्शन से पहले कॉन्फिडेंस दिखाया था, वो कॉन्फिडेंस कहीं गायब सा हो गया है? निशांत सिंह जी आवाज क्लियर नहीं है। एक बार फिर से सवाल दोहराता हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ जनता को ये सपने दिखाए थे, ये बातें की थी, ये वायदे किए थे चुनाव से पहले कि रॉबर्ट वाड्रा दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो कॉन्फिडेंस अब कम हो गया है? देखिए ऐसा है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ ये बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वायदे किए थे, स्पेसिफिक इसकी बात करते हैं, कॉन्फिडेंस कम हुआ है, वो सारे ठीक नहीं रहे, वहां कार्य नहीं हुआ। मैं तो ये मान के चलूंगा कि कहीं ना कहीं सरकार जो है ना वो अंदर खाते क्या मामला है, ये तो सामने आ जाएगी बातें, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ गड़बड़ लगता है। अभी कोई भी कितनी बड़ी पर्सनलिटी अपराध क्यों ना करने वाली हो, उसको सजा मिलनी जरूरी है। केवल ढींगरा साहब, आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, हम डंके की चोट पर बोलने की बात करते हैं, खासकर वो चीजें जो आपने इलेक्शन के दौरान एक माहौल बनाया था, वो कॉन्फिडेंस आपके हिसाब से क्यों कम हो गया होगा बीजेपी का? देखिए ऐसा है, ये लोग झूठ बोल के सत्ता में आए, इन्होंने कई ऐसी बातें सत्ता में आने के बाद 154 वादे जैसे इन्होंने किए, वो सब झूठ के पलावे में बंद हो गए। आज लोगों को सब मालूम हो रहा है, इन्होंने स्वामीनाथन का वादा कर दिया, इन्होंने दूसरी चीज का वादा कर दिया, आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भी काम नहीं कर रही। इसी तरह से इन्होंने झूठे इल्जाम कांग्रेस पार्टी पर लगाए। अच्छा एक बात बताइए ढींगरा साहब, एक बात बताइए कि ये हुड्डा साहब क्यों नहीं गए सवालों का जवाब देने के लिए? कहां नहीं गए? आयोग के सामने। ऐसा है, जो हुड्डा साहब के वकील थे हाँ। जब उन्होंने बुलाया उनके वकील गए वहां पे, उनको उन्होंने जो पूछा उन्होंने जवाब दे दिया। तो वकील को क्यों जाने की जरूरत पड़ी, मैं यही पूछना चाहता हूँ। सीएम तो वो थे, तो उनको खुद पहुंचना चाहिए था, जब आयोग ने बुलाया है सवाल पूछने के लिए और आप पाक साफ हैं तो आप जाइए, वकील की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप सीएम है भाई साहब, आप पूर्व सीएम हैं, सीएम रह चुके हैं आप उस समय जिस समय का ये मामला है, आप जाते पेश होते कॉन्फिडेंस के साथ फेस करते सवालों को? ढींगरा साहब हाँ जी, ये कॉन्फिडेंस के साथ खुद फेस करने के बजाय वकील को क्यों भेजा? आप सीएम रहे उस समय जिस समय ये सब हुआ। देखिए ऐसा होता है, सरकार के बीच में ऑन गोइंग 100 प्रोसेस होते हैं, आप जब आपके ऊपर कोई उंगली उठाता है हाँ। तो आप सबसे पहले अपने आप को देखते हैं कि हाँ। हमने जो अभी क्वेश्चन पूछा है उसका सही से आंसर दिया जा सके हाँ। तो आप अपने आप को प्लीड करने के लिए जो एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है हाँ। कि उसके अंदर आप अपना एडवोकेट कर सकते हो हाँ। जो लीगली उनको अपनी बात बता सके हाँ। कहीं कोई किसी चीज की मैं इसमें कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं उसमें कुछ गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, बस एक जिज्ञासा है जानने की। आप सीएम थे, आप कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ, तो या तो आपको पता नहीं कि गलत हुआ या नहीं हुआ, या तो आपको आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप सवालों के जवाब दे सकेंगे, जब आप ये कह रहे हैं कॉन्फिडेंट है, कोई हमने कोई नहीं, तो जब आप ये कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ तो खुद क्यों नहीं पेश हुए? देखिए ऐसा होता है, आप गाड़ी चला रहे हैं हाँ। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आप कोई गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता चलता कि आप कोई गलती कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक इंटेंशन होती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं करना,
सर गाड़ी चलाते समय सर पता तो चल जाता है। नहीं 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 नहीं, एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे और उस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। बिलीव व चट्टान। धान की सफल खेती के लिए बायर नेटिवो। नेटिवो देता है हरी भरी स्वस्थ फसल, चमकीले वजनदार दाने, अधिक उपज और विभिन्न रोगों की सही रोकथाम। नेटिवो के एक छिड़काव का देखो कमाल, दो छिड़कावों में उपज और भी धमाल। नेटिवो बड़ा ही शुभ है, मेरी सफलता में सच्चा मित्र। नेटिवो मेरा वृद्धि मित्र, आप भी जरूर आजमाएं। होली हार्ट एडवांस्ड कार्डियक केयर एंड रिसर्च सेंटर। चार कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ की टीम है, 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अत्याधुनिक मशीनों, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम के साथ यहां का सपोर्टिंग स्टाफ मरीजों का रखता है पूरा ख्याल। हमारा लक्ष्य है सभी मरीजों को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से समय रहते विश्व स्तरीय इलाज प्रदान करना। फ्लैट पैनल चैफ लैब के साथ साथ हाईटेक ICCU की सुविधा भी उपलब्ध है। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, गल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, इंडोफिल का अवतार। कपड़े 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 हर जगह दिखेंगे आपको, कौन सा लेंगे? कपड़ा बहुत सुंदर है, कमी पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे नहीं जच रहा है। बिलीव मी, वेलकम टू सूट्स यू। यहाँ पर मैं आपके साथ बैठ के आपका पूरा वार्डरोब कलेक्शन चेक करूंगी। बंगला हो या शेरवानी, बिजनेस सूट्स हो या कुर्ता पजामा, हर चीज में आप अच्छे दिख सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी और मैं हूँ आपकी स्टाइलिस्ट, पर्सनल स्टाइलिस्ट। एराबॉल लुब्रिकेंट, इंजन में भर दे दम। दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य लक्ष्य प्योर घी। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। अदामा का कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंद नाशक। कस्टोडिया फसलों को स्वस्थ रखे, अधिक पैदावार व गुणवत्ता लाए, फसलों को बीमारियों से बचाए। कस्टोडिया एक वंडर फंगीसाइड। धान की सफल खेती के लिए बायर नेटिवो। नेटिवो देता है हरी भरी स्वस्थ फसल, चमकीले वजनदार दाने, अधिक उपज और विभिन्न रोगों की सही रोकथाम। नेटिवो के एक छिड़काव का देखो कमाल, दो छिड़कावों में उपज और भी धमाल। नेटिवो बड़ा ही शुभ है, मेरी सफलता में सच्चा मित्र। नेटिवो मेरा वृद्धि मित्र, आप भी जरूर आजमाएं। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। बिलीव व चट्टान। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल
के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Are you nuts? ये कुछ याद आया आपको इससे? ये बयान था और ये गुस्सा था रॉबर्ट वाड्रा साहब का जब उनसे एक सवाल पूछा गया था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि कल के बाद उनका क्या मूड होगा ये भी हम जानना चाहेंगे। सुनीता दुग्गल जी बीजेपी से और अमित नेहरा साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नेहरा साहब आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपको कहे कोई कि भविष्यवाणी करिए जरा या अंदाजा लगाइए कि कल ढींगरा आयोग की रिपोर्ट में क्या हो सकता है, तो आप क्या अंदाजा लगाएंगे क्या होगा उसमें? नेहरा साहब कुछ ज्यादा नहीं निकलेगा। हाँ, जिन इरेगुलरिटीज की बात की गई है और जो जांच हुई है, हाँ, उसके आधार पे तो फाइनेंशियल जो चीजें हैं उन पे रहेगा। उसमें क्या है कि ज्यादा उन पर जुर्माना लग सकते हैं। जो मेन बात है, जो सारी चीजें चेंज की हैं, वो एक प्रक्रिया जो होनी चाहिए थी, हाँ, वो हुई नहीं है। नहीं तो आपको लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा साहब को जेल में डाला जाएगा इस रिपोर्ट के बाद? लगता नहीं। अगर रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डाल दिया गया, हाँ, बीजेपी ने तो यही सपने दिखाए थे चुनाव से पहले। नहीं तो क्या है कि कांग्रेस को गेन होगा, बीजेपी को इस बात का पता है, क्योंकि हीरो नहीं बनाना चाहती कांग्रेस को। तो ठीक है, एक लिपापोती की जाएगी जहाँ तक लगता है, बाकी अंदर क्या बात है क्या होगा वो तो कल पता चल जाएगा। सुनीता दुग्गल जी हैं। सुनीता जी, क्या आप और आपकी पार्टी उसी कॉन्फिडेंस के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप चुनाव से पहले बातें करती थी, दामाद स्ट्रीट डॉक्यूमेंट्री दिखाते थे और अलग अलग जगह जाके आपके बड़े से बड़े नेता ये कहते थे कि हम आएंगे तो जेल में डाल देंगे वाड्रा को सीधे, तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ आज आपकी आप और आपकी पार्टी कह सकती है कल रिपोर्ट आएगी और परसों हम जेल में डाल देंगे? नहीं देखिए, ऐसे इस तरह से नहीं होता। हम तो बिल्कुल इस तरह से बात करते हैं। ये तो आपने इस तरह से बात की थी मैडम। इसमें हाँ नहीं, इसमें देखिए, मैच्योरिटी के साथ हमें बात करनी चाहिए। कल रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बाद उसकी समीक्षा होगी। अच्छा ठीक है। नेहरा साहब, क्या यही सपने और यही स्टाइल और यही एटीट्यूड और यही माहौल नहीं बनाया था बीजेपी ने चुनाव से पहले कि भाई ऐसा लगे कि बस आएगी बीजेपी और डाल देगी जेल में? गौरव, जो बात थी, जो खासकर प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे नरेंद्र मोदी, इस समय तो हर लगभग हर भाषण में ये कहते थे माँ बेटे की सरकार, दामाद की सरकार। हाँ। तो अगर ये नहीं था तो क्या है कि जेल में डालने के लिए आयोगों की जरूरत नहीं होती। हाँ। एक जो सिंपल FIR है, हाँ, थाने में होती है, उसी से जेल में जा सकता है आदमी। हाँ। तो ये जो सारा नाटक है, जो एक माहौल बनाया गया है, तो ये तो एक रास्ता देने की चीजें होती है। अच्छा, रास्ता देने की कोशिश हो रही है। हाँ, एक सेफ रास्ता। कैसे? वो ठीक है, उसमें क्या है कि वो कह रहे हैं हमने देखा इसमें सारा कुछ नहीं निकला, पूरा पहाड़ निकली सुइया, तो इसमें कि जो एटीट्यूड शाह आयोग था उसमें क्या निकला था? तो ये क्या अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं होगा कि अगर लोग निकालें इसको कि भाई आपने इतनी तारीख को ये बात कही थी फलाने जगह पे और आज आपकी जो रिपोर्ट आई उसमें क्लीन चिट दे रहे हैं, तो तब आपने कैसे ये दावा किया था कि उन्होंने घोटाला किया है, घपला किया है, बिना मतलब के बोल रहे थे आप? देखिए क्या है कि गौरव, ये इतिहास साक्षी रहा है। हाँ। जब विपक्ष में होती है पार्टी तो उसके तेवर कुछ और होते हैं। हाँ। जब सत्ता पक्ष में बैठती है तो उसके, हाँ, तेवर कुछ और होते हैं। ठीक है सुनीता जी, एक आखिरी सवाल, सुनीता जी आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ कि क्या तेवर आपके बदल गए हैं, क्या नीयत बदल गई है,
या अब कुर्सी पर बैठने के बाद सच का सामना किया तो पता चला कि परिस्थितियां दरअसल कुछ और ही हैं। सुनीता जी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। नेहरा साहब, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल। यही सवाल का जवाब आप दे दीजिए। अब इनको आटे दाल का भाव समझ में आ रहा है कि भाई कुर्सी पर बैठने के बाद कुछ और करना होता है, बैठने से पहले कुछ भी मन करे बोल सकते हैं? नहीं गौरव, कुछ बातें और हैं जो राजनीतिक दल नहीं बताते, छिपाते हैं लोगों से। असल में राजनीति क्या है कि एक सत्ता को पाने का एक माध्यम है राजनीति, ठीक है। उसमें भी क्या है कि पक्ष की भूमिका होती है और विपक्ष की भूमिका होती है, ये शेयरिंग होती है। अच्छा। विपक्ष को भी हिस्सा मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि जो सत्ता पक्ष होता है वही सुविधाओं का भोग करता है। तो क्या आज के दिन जो विपक्ष में बड़े नेता हैं वो जनता के पैसे पे ऐश नहीं कर रहे क्या? वो किस लिए संभव है, कैसे संभव है? मतलब हम ये मानकर चले कि बहुत कुछ हाथ नहीं लगने वाला है सहयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी। बहुत शुक्रिया नेहरा साहब आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अब थोड़े से लम्हों का इंतजार और है, उसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि पिछली बार की तरह ही जब ढींगरा साहब गाड़ी में बैठने वाले होंगे, कोई जादुई या फिल्मी अंदाज में कोई आदमी आके उनको कोई खुफिया डॉक्यूमेंट्स और ना दे दे और उसके लिए एक्सटेंशन वो ना मांग ले, तो कल रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद भी देख लेंगे कि रिपोर्ट में है क्या और उसके बाद कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।